एक लगाना से। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रबंध के सिद्धांत के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस जो कि हेनरी टोल के द्वारा दिया गया था, और यह सिद्धांत सच्चे हैं। इन प्रबंध के 14 सिद्धांत होते, जैसे कि पहला सिद्धांत कार्य विभाजन, यानी डिविजन ऑफ वर्क। कार्य विभाजन के अंतर्गत हेनरी टोल ने हमें यह बताया कि किसी भी कार्य को हमें छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके करना चाहिए, इससे संस्था तथा कर्मचारी दोनों का विकास होता है। संस्था का विकास इस तरह होता है कि कर्मचारी किसी कार्य को करते करते निपुण हो जाते हैं, क्योंकि उसको तो अलग अलग काम दिया जा चुका है। यानी डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब ही है कि सभी को अपना अलग अलग क्षेत्र बांट देना, अलग अलग काम देगा तो भाई कर्मचारी तो निपुण होगा ही, इससे संस्था का तो विकास तो होना ही होना है। इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके बाद दूसरा, अधिकार एवं उत्तरदायित्व। अधिकार एवं उत्तरदायित्व आप सोच रहे होंगे क्या होगा। अधिकार एवं उत्तरदायित्व यानी ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अंतर्गत जैसे किसी भी कर्मचारी को दोनों चीज यानी अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों का हस्तांतरण होना चाहिए, यानी ट्रांसफर होना चाहिए। जैसे हम किसी को पावर दिए तो उस पावर का यूज क्या है वो हमें बताना चाहिए, वरना वो कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे हम किसी कर्मचारी को किसी काम के वास्ते दिए कि भाई तुम ले लो 50,000 रुपये ले लो इस काम को, ये ले लो बस, लेकिन उसको ये नहीं बताया कि उसका करना क्या है। यानी अधिकार तो दे दिया, पावर ही नहीं, पैसे तो दे दिया, लेकिन उस पैसे का करना क्या है वो बताया नहीं। यानी अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों का होना जरूरी है, उस पैसे का करना क्या है वो तो बताएंगे, नहीं तो वो इससे क्या हो सकता है, वो मिसयूज कर सकता है उस पैसे का। तो ये अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों का हस्तांतरण होना चाहिए। इसके बाद तीसरा, अनुशासन। अनुशासन यह तो हम देखते हैं आम जीवन में भी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अनुशासन का यह मतलब हुआ जैसे कोई कर्मचारी काम करता है किसी संस्था में, तो उसके लिए अनुशासन होना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो जैसे कुछ रूल रेगुलेशन बाउंडेशन होना चाहिए, बिना अनुशासन के कोई इंसान नहीं रह सकता। तो वो एक संस्था को ग्रो करने के लिए अनुशासन का होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे अनुशासन का अगर दिया गया, जैसे कोई भी रूल लगाए, जैसे फैक्ट्री में हमें या कोई भी संस्था में हमें ये नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करना है, ड्रिंक नहीं करना है, हमें किस तरह से बात करना है या जो भी हो, यानी उसके रूल को फॉलो करना हमारी जिम्मेवारी है, नहीं तो हम उस संस्था के लायक नहीं है। ये हुआ अनुशासन। इसके बाद आ गया आदेश की एकता। आदेश की एकता बहुत ही मायने रखती है, या रियल लाइफ से लेके चाहे संस्था का कार्य हो या गैर संस्था का कार्य, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आदेश की एकता बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा, यानी कहा नहीं जा सकता कितना महत्वपूर्ण है। आदेश की एकता का मतलब यह है कि जैसे हमारे कुछ, यानी हम एक फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि हम किसी संस्था के मैनेजर हैं, हमारे पीछे बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, और हमारे यानी हमारे भी सीनियर हैं, तो दोनों ने मेरे नीचे काम कर रहे कर्मचारी को आदेश दे दिया। हमने कहा कि भाई ए पर्सन को हमने यह बोला कि भाई तुम आज ये काम करोगे, यानी मार्केटिंग टीम का काम करोगे, लेकिन हमसे ही जो सीनियर थे तो उसी ए पर्सन को उसने कहा कि नहीं तुम्हें यह काम करना है, तो वो कर्मचारी क्या हुआ, कन्फ्यूज हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये आदेश की एकता होना जरूरी है। नहीं, स्पष्ट रूप से हम यह कह रहे हैं आदेश की एकता का मतलब यह होता है कि किसी एक के द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए, दो के द्वारा आदेश नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ए पर्सन के लिए तो दोनों से ही है। इसकी एकता होना बहुत जरूरी है, इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट है। ओके, निर्देश की एकता। निर्देश की एकता के अंतर्गत जैसे हम संस्था का कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हमें इतना का टारगेट है, जैसे 5,00,000 का हमें इस मंथ सेल कर देना है, ठीक है, तो ये टारगेट किसी एक के द्वारा ही बनाना चाहिए। कोई कह ये नहीं कह दूसरा पर्सन कि हमें नहीं, हम 5,00,000 नहीं 10,00,000 का बनाना चाहिए, 10,00,000 नहीं इतना का बनाना चाहिए। यानी किसी एक के द्वारा ऑब्जेक्ट निर्धारित करना चाहिए, इतना का लक्ष्य मेरा, और उस लक्ष्य को सभी को मानना पड़ेगा। यानी किसी संस्था का ऑब्जेक्ट लक्ष्य का निर्धारण किसी एक पर्सन के द्वारा ही होना चाहिए, यानी निर्देश की एकता, और इसमें सभी की सहमति होनी चाहिए। छठा है, संगठन के बारे में सोचना, न कि अपने बारे में। ये बहुत सी कॉमन बात है संगठन के बारे में सोचना। जैसे कि हम किसी संस्था में काम कर रहे हैं तो हम
यह जरूरी है उस संगठन के लिए, उस संस्था के लिए कि हम उस संस्था के बारे में सोचे, ना कि अपने बारे में, व्यक्तिगत हितों के बारे में। जैसे उस संस्था से हमारा कोई अपना कुछ सामान परचेस करता है यानी खरीदता है, तो उसमें हमें व्यक्तिगत हित नहीं होनी चाहिए कि भाई इतना में आया तो इतना में ही तुम्हें मिल जाएगा, ये नहीं होनी चाहिए कि अपने बारे में सोच रहा हूँ यार, लेकिन यह गलत है। इसलिए संगठन के बारे में ही सोचना, न कि अपने बारे में। साधना परिश्रम, परिश्रमी या वेतन जिसे कह सकते हैं, इसके अंतर्गत जैसे कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो उसे उचित मिलना चाहिए पैसा, जिस तरह की उसकी क्वालिफिकेशन है, जिस तरह की उसकी नॉलेज है, रिक्वायरमेंट हो, उस तरह के देना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई ये नहीं है कि जैसे वो लायक काबिल है 10,000 का, लेकिन उसको कहें आपको 20,000 दो, तो ये गलत है। लेकिन अगर वो 20,000 के काबिल है तो उसे मिलना चाहिए, ये भी संस्था के उन्नति में कहीं ना कहीं मायने रखती है। इससे कर्मचारी का स्थायित्व बना रहता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आठवां है केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण के अंतर्गत संस्था का अलग अलग केंद्र होना चाहिए, यानी सभी यानी मेन ब्रांच होना चाहिए और भी चाहिए। इसके बाद है सोपान श्रृंखला यानी स्केलर चेन। स्केलर चेन इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हम रियल लाइफ में भी देखते हैं, जैसे हमें किसी बड़े से बात करना है, किसी हमें चीफ से बात करना है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लें कि हम अपने कॉलेज के डीसी सर से बात करना है, तो हम डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं, हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, या पहले हमें बोलना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा, सर हमें आपसे काम है, ये नहीं हो सकता, यानी डायरेक्ट नहीं मिल सकते, यानी स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। दसवां है व्यवस्था। व्यवस्था यानी व्यवस्था ऑर्डर, यानी सबसे व्यवस्था यानी सम यानी क्या ये व्यवस्था यानी सभी का अपना अपना ऑर्डर होना चाहिए। इस सामान को कहाँ, जैसे किसी फैक्ट्री में कोई काम करता है वर्कर, तो इस सामान को यहाँ पे रखना चाहिए, इस सामान को यहाँ रखना चाहिए, जैसे कोई भी सभी का अपना अपना जगह होता है, तो वो होना चाहिए व्यवस्था। एक व्यवस्था होना चाहिए कि किस चीज़ को कहाँ रखें तो ये बेटर रहेगा, वो समय पे मिल भी जाएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 11th है समता यानी इक्विटी। इक्विटी इज द यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इक्विटी हम अपने घर में भी देखते हैं, अगर इक्विटी नहीं रहेगा यानी समता, जैसे किसी पेरेंट्स के बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, तो उन दोनों के बीच इक्विटी रहनी चाहिए, उन दोनों को इक्विटी समता माना चाहिए। इस नहीं ये नहीं कि हम चाइल्ड वन को ज़्यादा फैसिलिटी दे लेकिन चाइल्ड टू को नहीं दे, तो इस दोनों में क्या इसके अगर ऐसा नहीं करते हैं तो दोनों के बीच मतभेद हो सकता है, तो यह हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं है। सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। अगर हम मैनेजर हैं किसी कंपनी में या कुछ भी, तो हमें ये नहीं कि अगर हमारा सगा संबंधी काम करता है और कोई पर्सन काम करता है, तो हम तो ऐसा सोचेंगे कि भाई सगा संबंधी को पहले हम प्राथमिकता दें, उसको हम ज़्यादा ये सपोर्ट करें कुछ भी करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को समान यानी न्याय सही होना चाहिए, अपने ही में नहीं करना चाहिए। इसके बाद 12th है कर्मचारियों की अस्थायित्व कभी हो सकती है, जब वो कर्मचारी उस समय बोनस दे, मोटिवेशन दे, उसका वेतन सही रहे, तभी कर्मचारियों की अस्थायित्व होती है। इससे संस्था का बहुत ही तरक्की होता है कर्मचारियों के अस्थायित्व से, इसलिए कर्मचारी का अस्थायित्व होना भी जरूरी है। वो तो बोनस देके या मोटिवेट करके इक्विटी देके बहुत सारे काम है, तो ये होना चाहिए। एंड 13 पहल क्षमता यानी इनिशिएटिव। पहल क्षमता होनी चाहिए सब, यानी कहा जाता है सभी के अंदर कुछ ना कुछ विशेष होता है, कुछ ना कुछ जरूर मेरिट होता है, तो हमें सभी की पहल क्षमता, सभी के माइंड के बारे में इसके अंदर क्या चल रहा है, कोई हमें कुछ यानी डायरेक्शन दे रहा है, हमसे छोटा है यानी हमारे जूनियर है, हमारे अंदर में काम करता है, तो हमें सबकी सुननी चाहिए, क्या क्या पता उसके दिमाग में जो चल रहा है वो हमें नहीं आता, हमसे अच्छा आइडिया उसके पास, तो ये होनी चाहिए पहल। इसलिए पहल क्षमता भी कहीं ना कहीं संस्था के लिए बहुत मायने रखती है। इसके बाद सहयोग की भावना, लास्ट सहयोग की भावना यानी हमें कर्मचारियों को कभी डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, बल्कि सहयोग की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि सहयोग की भावना रखेंगे तभी हम ग्रो कर पाएंगे, हमारी संस्था तरक्की करेगी, वरना ठप हो जाएगी।